ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्केच एक बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। तो फॉर द सेक के ये हमारे पास जो है एसेट्स हैं और ये हमारे पास लेबिलिटी प्लस इक्विटी है। एक रफ सा आइडिया हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ। अच्छा जी, अब कैपिटल बजटिंग में अगर हम देखें तो जो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है और ये है जी हमारे पास करंट एसेट्स का। तो अभी ये हमारा एरिया ऑफ स्टडी अभी नहीं है, तो हमने अभी किसको स्टडी करना, नॉन करंट एसेट्स को। तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिखते हैं अपने पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको एक एब्रीवेशन के तौर पर हम लिख रहे हैं। और साथ इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लिखी जाती हैं, यानी जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये हमारा एरिया है कि हमने इसको स्टडी करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हमने परचेज करना है, नहीं करना, या किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें वो मिलना है और क्या उनकी वर्थ होगी हमारे कंपनी के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने देखना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे लिए बेहतर है। बेहतर होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखूं, देखो एफएम जो होती है या जिसे हम कहेंगे रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर है, वो क्या होता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो अब जो फाइनेंस मैनेजर है उसी ने ही ये सारी चीजें अप्रूव करनी होती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का काम बाद में होता है जब ये डिसीजन हो चुके होते हैं। उसमें ना तो फिर हमें देखना होता है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हम अप्रूव करें, कौन से ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स अप्रूव करें, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करें जिनका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो किस चीज से हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। और शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे बेसिकली इंक्रीज होती है, जब स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, शेयर प्राइस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब इस तरह के डिसीजन करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो उसमें जो स्टेप्स हैं डिफरेंट हैं हमारे पास, तो देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। उनमें से जो है नंबर वन, हमें प्रपोजल को देखना पड़ता है। प्रपोजल एक जनरेट की जाती है कि हम ये काम जो है करें या ना करें, ये एसेट खरीदें या ना खरीदें, ये इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करें या ना करें। ठीक है, तो प्रपोजल जनरेट की जाती है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, रिव्यू एंड एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा अब फर्दर जो है स्टेप हमारा जो होता है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है कि हमें ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है तो फिर हम क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं उस प्रोजेक्ट में या उस एसेट के अंदर। वो एसेट न्यूली परचेज्ड भी हो सकता है या वो हमारा एसेट जो है वो रिप्लेसमेंट डिसीजन भी हो सकता है। ये जो है दो तरह की बातें यहाँ पे हो सकती हैं, न्यू या रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कोई भी डिसीजन ये नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमें इन सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता होता है, जो एनालिसिस होता है, ये सारी चीजें होती है, रेलिवेंट कैश फ्लोस टू दैट स्पेसिफिक डिसीजन, इसलिए हम इसको रेलिवेंट कह रहे हैं, रेलिवेंट कैश फ्लोस। एक तो इसका ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है, रेलिवेंट कैश फ्लोस के जो रिलेटेड विद दैट डिसीजंस है, और वो भी फिर उस चले रेलिवेंट कैश फ्लोस को देखा जाता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेशन को भी देखा जाता है कि टैक्स का इफेक्ट उनके ऊपर क्या होगा, यानी हमारा जो एंड प्रोडक्ट है बेसिकली वो क्या होता है, रेलिवेंट कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स, रेलिवेंट कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, तो ये जो है ना, हम क्योंकि जब प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे होते हैं हमारे पास ये चीज होना चाहिए कि भाई अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो वो ओवर द टाइम पीरियड ये प्रोजेक्ट हमें कैश फ्लोज जो जनरेट करके देगा, तो उनकी वर्थ वैल्यू क्या होगी ओवर द टाइम पीरियड, फिर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के थ्रू
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का चैप्टर है या टॉपिक है, उसमें हम रेलिवेंट कैश फ्लोज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे तो ऐसा समझ लीजिएगा, बल्कि होगा ही ऐसा, रेलिवेंट कैश फ्लोज जो है वो हमें गिवन होंगे, रेलिवेंट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स ये हमें गिवन होंगे, और हमने फर्दर जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करते हुए डिसाइड करना है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है फर्दर अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, जब हमने फर्दर रेलिवेंट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स गिवन होंगे, तो ये हमने यहाँ पे बात यानी मेंशन कर दी टेक्निक्स के लिए, जब हम यानी डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमारे पास रेलिवेंट कैश फ्लोज क्या होंगे, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये हमें गिवन होंगे। ठीक है, ताकि हमें ये टॉपिक जो है टेक्निक्स का आसानी के साथ समझ आ सके। अच्छा, अब ये जो डिसीजन मेकिंग्स हैं, तो हम ये किस तरीके से जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोचेज हैं टाइम वैल्यू प्रोसीजर्स की। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जिसमें नॉर्मली हम प्रेजेंट वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी रिस्क एंड रिटर्न को देखा जाता है, इस प्रोजेक्ट में हमें कितना रिस्क और कितना रिटर्न होगा, और उसके बाद डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स देखी जाती हैं। ठीक है, और फिर ये देखा जाता है कि ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली मैं किसको कह रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट है ये करने जा रहे हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है, किस चीज़ के भला, क्या ये कंसिस्टेंट है हमारे मेन गोल के साथ, कंसिस्टेंट विद ओवरऑल गोल ऑफ द फर्म, ओवरऑल गोल ऑफ द फर्म विच इज वी अगेन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इन शॉर्ट लिखा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास यानी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है एक इन शॉर्ट, और उसके बाद कैपिटल बजटिंग में हम करते कैसे हैं, क्या हमें देखना होता है, और उसके बाद रेलिवेंट कैश फ्लोज कॉन्सेप्ट क्या होता है, टैक्सेशन का इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद मेन जो हमारा टॉपिक है आज के इस लेक्चर्स के अंदर वो क्या है, डिसीजन मेकिंग, कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट या ये एसेट्स न्यूली है या रिप्लेसमेंट है, परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं काफ़ी सारी हैं, मैं उनको एक लिस्ट आउट कर देता हूँ, तो फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको देखेंगे। ठीक है, टेक्निक्स तो उनमें हमारे पास नंबर वन पे बैक पीरियड, नंबर टू इनको के आर्डर नहीं है, जो भी हम पहले कर लें, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम IRR भी कहते हैं, IRR, ठीक है, ये टेक्निक है। उसके बाद हमारे पास और भी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू होता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यानी
MIRR, ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हम क्या ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें। तो हम आज जो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन भी करेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे, तो वो हम आज देख रहे हैं जी, इसको जो है प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि हम इसको देख सकें कि ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, कार्बाइट केमिकल कंपनी इज कंसीडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ टू ओल्ड मशीन्स विद अ न्यू मोर एफिशिएंट मशीन। इट हैज डिटरमिंड द रेलेवेंट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोस ऑफ दिस रिप्लेसमेंट प्रपोजल आर एज फॉलोस। अब देखें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, रेलेवेंट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, यानी ऐसे कैश फ्लोस जो सिर्फ और सिर्फ इस डिसीजन के लिए स्पेसिफिक है, कोई और चीजों का इफेक्ट इनमें नहीं है, किसी और डिसीजन मेकिंग का इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इस रिप्लेसमेंट यानी दो मशीनें जो हमारे पास थी पुरानी ओल्ड, हमने उनके साथ न्यू एफिशिएंट मशीन रिप्लेस की। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर ये हमारे पास कैश फ्लोज है 0 से लेके 8 ईयर्स तक। व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%, इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यानी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ये इस तरह से लिख रहा हूँ, NPV इज इक्वल टू, तो जरा देखिएगा यहाँ पे N टाइम पीरियड को शो करता है, टाइम को, और कैश फ्लोस, और उसके बाद 1 प्लस K ओवर T यानी टाइम जो होगा, माइनस कैश फ्लो एट टाइम 0, और इनको कैश फ्लो एट T लिख देते हैं ओवर द टाइम। यानी अब ये टर्म हमें बता क्या रही है कि ऐसा कैश फ्लो जो आपका 0 टाइम पीरियड पे आज आपका आउटफ्लो हो, आप आज जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, उसको आपने माइनस करना है। तो किस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू से। तो ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली वैल्यू है जो इस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए, इस एसेट को यूज करते हुए ओवर द टाइम यानी 5 साल 10 साल जो इस प्रोजेक्ट ने आपको इन फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करके देने हैं, उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो ये फैक्टर बता रहा है। तो उस प्रेजेंट वैल्यू में से जो फ्यूचर कैश फ्लोज की है, अगर हम क्या करें, इनिशियल कैश आउटफ्लो को माइनस कर दें, तो हमारा आंसर क्या जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम इसको जरा वर्डिंग में लिख देते हैं ताकि आपको मजीद आसानी से ये बात समझ आ जाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज फाउंड बाई सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल कैश आउटले, कैश आउटफ्लो भी इसको कह सकते हैं, यानी इसको हम दो टर्म्स में लिख लेते हैं, इनिशियल कैश आउटले, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कैश फ्लो एट टाइम 0, ये एक ही बात है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल कैश आउटलो आउटले को या आउटफ्लो को कहाँ से, फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू
from the present value of its future cash flows discounted at a rate which is almost equal to the firm's cost of capital. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जो इसमें जो सबसे पहली बात है वो क्या है जी हमारे पास कि इनिशियल कैश आउटफ्लो, इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं एक डायग्राम में टाइमलाइन की फॉर्म में, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक प्रोजेक्ट 5 इयर्स का है तो अभी फॉर एग्जांपल हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, बाद में एट द टाइम 2, 3, 4 एंड 5 इस प्रोजेक्ट ने हमें क्या देने हैं, कैश फ्लोस देने हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनकी आज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली जाए इस तरह से, ठीक है, सब कैश फ्लोज की, और उसको माइनस किया कर दिया जाए इनिशियल कैश आउटले से, तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है ना वो यूज किया जाता है। अब जो रेट होता है जिसकी हमने ये बात की, तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो ये किसी भी नाम से देखा जा सकता है। अच्छा जी, अब आप ये गौर से देखें, मैंने कहा है कि अभी हमारे पास एक इनिशियल कैश आउटले होगा, फॉर एग्जांपल ये हमने 1 लाख रुपया अभी पे किया और एक प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, तो वो 1 लाख रुपया हमने कहाँ से लिया, हमारे पास कहाँ से आया। उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो हमारे अपने कैश इन हैंड यानी कैश का बैलेंस है, या तो हमने लोन लिया है। अगर हमारे पास वो लोन के हैं यानी लोन लिया है, तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, इंटरेस्ट भी बेयर करना होगा, हमें वो एक कास्ट पड़ रही होगी, तो वो अब फॉर एग्जांपल अगर 10% पे है अगर हमारा लोन वो, तो इसका मतलब है कि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में कम अज कम 10% होना चाहिए ताकि वो इस कास्ट को कवर कर सके, ठीक है। अगर वो उससे कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लॉस में जा रहे हैं, उससे जो है ना नॉर्मली क्या होना चाहिए, इक्वल ऑलमोस्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, तो रिटर्न हमारा 12 इससे कहीं ज्यादा होगा तो हम फिर प्रॉफिटेबल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे जो फर्दर कंडीशंस है, अगर तो ये हमारे पैसे यानी जो कैश था हमारा अपना था, तो फिर अगर हम अपना था तो हमने एक मशीन खरीद ली तो उससे हमारे ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अगर हम ये मशीन ना खरीदते तो इसको सपोज बैंक डिपॉजिट कर लेते तो वहां से हमें मार्कअप या प्रॉफिट की फॉर्म में कुछ कैश मिलता रहता, ठीक है। तो अब ये जो चीज है क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है, तो हमने इन सारी चीजों को देखना है, तो ऐसे रेट पे हमने इसको डिस्काउंट करना है जिसपे हमारे कास्ट ऑफ कैपिटल जो है या अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो कवर हो रही है। तो ये एक जो है फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह की हो, तो हमने एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को, अदरवाइज रिजेक्ट करना है। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा है तो फिर हमें क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट।
ये नेगेटिव का साइन नहीं, ये डैश मैंने लिखा है, ठीक है। और इन आइदर केस अगर अपोजिट हो जाएगा इसके, इफ एनपीवी इज लेस देन जीरो, यानी आप नेगेटिव में होंगे, लेस देन जीरो देन रिजेक्ट, ठीक है। अब ये सारी बात जो हमने अभी सारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा है, तो हम इसको एक न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ लिखा हुआ था उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं। चलिए, हमारे पास कैश फ्लोज है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। इसको मैं जरा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है जी कैश फ्लोस, मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये जी हमारे पास ईयर्स, ठीक है, या टाइम इसको लिख लें, उसके बाद कैश फ्लोस लिख लें, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिख लें, और उसके बाद आप यहाँ लिख लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 ईयर्स है हमारे पास। तो ईयर 1 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 86890, उसके बाद 10647, उसके बाद 91612, देन फोर्थ ईयर पे 84801, उसके बाद अगेन 84801, देन 75400, देन 66000 एंड देन 92400। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज हैं कैश फ्लोज, यानी ये रेलिवेंट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हैं स्पेसिफिकली दैट रिप्लेसमेंट डिसीजन। अच्छा जी, अब ये जहन में रखिएगा कि ये कैश फ्लोज कब हो रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एक साल के बाद। तो इसका मतलब है, देखें, अगर मेरे पास ये जीरो है और ये वन है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 86890 है, तो मुझे इसकी वैल्यू आज चाहिए, यानी जीरो टाइम पे, यानी एक साल बैक करना है, 1 ईयर बैक। इसलिए जो दूसरे नंबर पर होगी तो 2 ईयर्स बैक, एटसेट्रा, इस तरीके से मैं ये वैल्यूज फाइंड कर। अच्छा जी, उसके बाद अब है जी हमारे पास कि रेट कौन सा होना चाहिए। तो ये हमें गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर था, 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 14%। अब प्रेजेंट वैल्यू का हमने फार्मूला कौन सा लगाना होता है, नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस i इसकी पावर -n। तो फर्स्ट में अब क्या होगा, माइनस जो है वो n जो है वो 1 होगा, क्योंकि 1 ईयर बैक करना है। इस तरीके से अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या आती है। 1.14, तो ये क्योंकि हमारे पास 1.14 फैक्टर रहेगा, -1, 2 हम ऐसे करते जाएंगे, पावर -1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ रही है जी फर्स्ट 0.877, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी 0.769, देन अगेन थर्ड वैल्यू ये है जी 0.674, देन अगेन थर्ड फोर्थ तो ये है जी 0.592, देन फिफ्थ वैल्यू ये है जी 0.519, देन सिक्स्थ वैल्यू 0.456, देन अगेन 1.14 पे तो ये है जी 0.399, एंड देन लास्ट वैल्यू तो ये है जी हमारे पास 0.351, ठीक है।
ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ओके जी, इस तरीके से हमने अब अपने पास प्रेजेंट वैल्यूज फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। फर्स्ट 86890 मल्टीप्लाइड 0.877, तो ये मैं राउंड करके वैल्यूज लिखता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू इज 76202, उसके बाद 106474 इंटू 0.769, तो ये है जी हमारे पास 81879। उसके बाद अगेन 91612 मल्टीप्लाइड बाय 0.674, तो वी गेट 61746। उसके बाद 84801 इंटू 0.592, तो ये बन गया जी हमारे पास 50202। उसके बाद अगेन 84801 मल्टीप्लाइड बाय 0.519, तो ये वैल्यू हमारे पास 44012। अगेन 75400 इंटू 0.456, देन वी गॉट 3438 एंड 2, अगेन 66000 इंटू 0.399, तो ये है जी हमारे पास 2633 एंड 4, 9400 इंटू 0.351, तो ये है जी हमारे पास 32432। इन दिस वे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट कर ली। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितना 76202 प्लस 81879 प्लस 61746 प्लस 50202 प्लस 44012 प्लस 34382 प्लस 26334 प्लस 32432, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई 367189, ये है जी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो अब हमने डिसीजन करना है और उसके लिए हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्या थी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू थी जी। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगेन हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, जो हमने अभी फार्मूला में भी लिखा था 367189 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो जो था कि हमने ये मशीन कितने में खरीदी है, वो देखें तो 404424, ये देखें कैश आउटफ्लो जो है हमारे पास 404424 अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करें तो हमारे पास आंसर्स क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये है जी आंसर 37235। तो देखें क्यों, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारा डिसीजन इसके बारे में क्या होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट, ठीक है, आर प्रपोजल, जो भी हम इसे नाम दे दें, क्या हो जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमें ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो